नमस्ते योगीश। मेरा जो आज का वीडियो है, आज का सेशन है, वो है प्रेगनेंसी योगा से रिलेटेड। मैंने अपने प्रेगनेंसी के दौर पे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे मतलब पड़ाव आए हैं। इसके अंतर्गत जो पहली अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही होती है प्रेगनेंसी का, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी में स्वेलिंग आती है, अपना वेट होता है वो अप एंड डाउन होता है, और जो अपने जो हॉर्मोन्स होते हैं वो चेंजेज होती है, बॉडी में क्रैम्पिंग होती है, सुस्ती आती है, इस तरीके की मतलब कंडीशन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सब चीज़ों को कंसंट्रेट करके और अलाइव करने के लिए जो ये जो सेशन है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे उन महिलाओं को, उन वुमेन को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, जो इस प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की जो ये जर्नी है, 9 मंथ की जर्नी है, वो कम्प्लीटली स्वस्थ और सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं फिलहाल, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो आसपास में जो भी लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट हैं, उन तक मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि अपन प्रेगनेंसी के दौर में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको कम नहीं, उनसे मतलब बच नहीं सकते, वो आएंगी, 100% आएंगी, लेकिन उनको 50% आप कम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। 50% आपको रिलैक्स महसूस जरूर होगा, और ना ही भी होगा तो आपके इंटरनल मतलब बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बेबीज के लिए भी बहुत अच्छा फील होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो योगा सेशन को शुरू करने से पहले आपको हल्का फुल्का कुछ भी खाना है, यानी कि जैसे आप फ्रूट्स ले लिया, नट्स ले लिया, या जूस ले लिया, मिल्क ले लिया, कुछ भी ले लिया, हैवी डाइट नहीं लेना। अगर मॉर्निंग में आप नहीं कर सकते हो तो उसके बाद में आप थोड़ा उठने के बाद, जब भी आपका मन करे, मतलब उठने के 1-2 घंटे के बाद, जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठ के करो, 6 बजे उठ, 6 बजे उठते हो, मान लो 7-8 बजे तक भी आपका ऐसे थोड़ा सही होता है मन, तो उसके बाद में भी आप कर सकते हो। और आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है, अपने आप नहीं करना है, क्योंकि हर हर एक की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी को पूरे 9 मंथ कम्प्लीटली बेड रेस्ट होता है, वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को नहीं करना है, अपने डॉक्टर की एडवाइस से उसे कम्प्लीटली कंसल्ट करके ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज चौधरी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना है, शुरू से लेके अंत तक स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आपको बेल आइकन बटन दबाना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना योगासन है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में आप क्या करेंगे, जैसे अपन सुखासन में बैठते हैं उसी तरीके से अपन बैठ जाएंगे। इस तरीके से बैठ के दोनों पैरों के तलवे है उनको अपने को ज्वाइन करना है, और फिर हाथों से इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद में आपने को 5 टाइम्स तक ब्रीदिंग करनी है, लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी है, जो कि अपने इंटरनल जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ में 5 टाइम्स। अगर आप 10 कंफर्ट फील करते हैं उस टाइम पे तो आप 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से बैठी हूँ, अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे टॉवल दे सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के आप पिल्लो, कुशन, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ में ब्रीदिंग कीजिए। सेकेंड जो अपना आसन है वो इस तरीके से बैठे रहेंगे, तितली आसन। तितली आसन है, इसमें आप ये महसूस करेंगे, बद्धकोणासन में और तितली दोनों दोनों आसन में ये महसूस करेंगे, आपके जो पेल्विक एरिया है उसकी बोन्स में खिंचाव होता है, इस एरिया में थाइज में खिंचाव होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसके लिए आप इस तरीके से ही बैठेंगे, और बैठ करके पैर ऊपर करना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे करना है,
और बिल्कुल भी आपको फास्ट फास्ट नहीं करना है, एकदम इजी गोइंग करना है। थर्ड जो अपना आसन है वो वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में किस तरीके से बैठना है मैं पहले आपको रोटेट होके दिखाती हूँ। किस तरीके से आपको पैर करना है, पैरों के बीच में आपको हिप्स को लगाना है। यदि आपको अनकंफर्ट फील हो रहा है तो आप नीचे बीच में आप पिल्लो लगा सकते हो या टावल लगा सकते हो। एक हाथ को इस तरीके से रखना है, दूसरे हाथ को आपको सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, फिर 5 काउंट करें वहां तक होल्ड रखना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। 1, 2, 3, 4, 5। आपको इस हाथ को ना ही तो आगे लाना है, ना ही आगे झुकना है, ना ही ये वाला हाथ आपका बेंड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव। इस तरीके से आपको 3-3 टाइम्स दोनों हाथ से करना है। चौथा जो अपना आसन है वो इसी तरीके से बैठे रहना है, वज्रासन में सीटेड कैट काउ पोज है, जिसको आपको क्या करना है, इस तरीके से सांस भरते हुए अंदर यूं लाना है, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है और हाथ यूं लेके जाना है। ये ऐसा 5 टाइम्स करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद अपना छठा जो आसन है वो है, सॉरी पांचवा आसन, इस तरीके से बैठ जाना है। और इसको खोलना है, राइट हैंड को, राइट लेग को आपको आगे करना है और फिर हैंड्स हैं उनको दोनों जमीन के ऊपर इस तरीके से टिकाना है। आप ये महसूस करेंगे इस आसन में कि आपका पेल्विक एरिया, जो आपका लेग आगे है, उसमें खिंचाव होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस आसन को फिर से चेक करेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसलिए आप सांस भरते हुए नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। थ्री टाइम करें तो 3 टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम करें तो 5 टाइम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग को आगे करना है तो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है उसमें खिंचाव होना चाहिए। इसी तरीके से आपको 3 टाइम्स करना है या 5 टाइम्स करना है। चलिए आज का योगा सेशन अपना यहीं समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें।